शालेय कबड्डी अंडर 14, 17 और 19 बालक बालिका की जिला स्तर प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में हुआ, जिसमें जिले के सातों विकास खंड के लगभग 400 कबड्डी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह व विस्तारक कृष्णकांत वैष्णव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। खेल में हार जीत लगी रहती है, इसलिए खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खिलाड़ियों के लिए खेल बजट बढ़ाकर उनका सम्मान बढ़ाया है। खिलाड़ी अपने खेल के दम पर आगे बढ़े, सरकार उनके साथ खड़ी है। सभी टीमों के खिलाड़ियों ने पूरी ताकत के साथ अपनी टीम को जिताने का प्रयास किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रशांत रघुवंशी ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर संभागीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। संभागीय प्रतियोगिता 24-25 अगस्त को भैरुंदा में होगी। विश्वकर्मा फ्रॉम ग्यारसपुर। अच्छा, यहाँ पे क्या कुछ प्रतियोगिता में भाग लेना? यहाँ कबड्डी प्रतियोगिताएं हो रही हैं और हम कबड्डी टीम से अंडर 17 टीम से हूँ मैं और हम यहाँ कबड्डी खेलने आए हैं। और क्या सपना लेके आए हो यहाँ पे? नेशनल से भी आने का, कम से कम अपने अपने सेल्फ नहीं तो अपनी टीम के लिए तो खेल सकूँ। आप किसको अपना आदर्श मानते हो? उसको अपने आप को। कितनी तैयारी की आपने यहाँ आने से पहले? एक प्लेयर जो अपने आप को समझता है या फिर किसी को लेके चलता है, वैसे उससे ज़्यादा मतलब अपने आप को समझ के मैं टीम के लिए खेलना चाहती हूँ, तो मैंने टीम को बेस्ट दिया है तो मैं प्रैक्टिस उसी हिसाब से करती हूँ। कन्फर्म आप किस स्कूल से हैं और आपके कोच कौन है? अर्चना मैम मेरी कोच हैं, अर्चना किरार, और मैं ग्यारसपुर से हूँ, सी एम राय विद्यालय ग्यारसपुर। हर वर्ष हर सत्र में स्कूल GFI गेम्स कराती है स्कूलों की, तो इस बार कबड्डी का जिला स्तर शमशाबाद में हमने दिया था और यहाँ पर पूरे विकास खंडों की सातों विकास खंडों से टीमें आई हैं। लगभग 40 टीमें हैं जिसमें गर्ल्स बॉयज़ अंडर 14, 17, 19 तीनों वर्ग की टीमें हैं और यहाँ पर इसका आज डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो बच्चे चयनित होंगे वो बच्चे संभागीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए 24 तारीख को भैरुंदा नसरुल्लागंज जिला सीहोर जाएंगे, जहाँ पर संभाग की प्रतियोगिता होगी और वहाँ से चयनित होकर। जिले से अभी तक कितनी टीमें यहाँ पर आई हैं? जिले की लगभग हमारे पास अभी 40 टीमें आई हैं। 40 टीमें हैं इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों? गर्ल्स बॉयज दोनों हैं। ये इस साल की शुरुआत है शमशाबाद में, इसके बाद 24 तारीख को जिला कुश्ती प्रतियोगिता होगी, उसके बाद 1 तारीख को संभागी कुश्ती प्रतियोगिता होगी जिसमें 7 जिलों की टीम आएंगी, उसके बाद 14 तारीख को राज्य कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन होगा जिसमें कम से कम 500 खिलाड़ी 600 खिलाड़ी आएंगे, और 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय कुश्ती साले राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन इसी मैदान पर किया जाएगा। अभी ये बच्चों का कार्यक्रम कब तक चलना है? ये तो आज ही इनका समाप्त हो जाएगा सारी मैचेस। अच्छा, जो क्वालिफाई होंगे ये आगे जाएंगे? हाँ, ये संभाग की टीम में जाएंगे और भैरुंदा मतलब नसरुल्लागंज जाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में संभागीय चैंपियनशिप है, वहाँ से सेलेक्ट होकर स्टेट में जाएंगे, और अगर स्टेट में सेलेक्ट होते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे जो कोच हैं बहुत अच्छे कोच हैं, ज्योति ठाकुर और ये जितने भी लोग आए हैं। बच्चे चूंकि खेलकूद बहुत आवश्यक है जीवन में, क्या इससे क्या प्रेरणा मिलती है अन्य लोगों को? ये सभी तरह की चैंपियनशिप के आयोजन कराने के पीछे एकमात्र मकसद है कि जनता को जागरूक करना, खिलाड़ियों को जागरूक करना अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति। आज खेल भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले की रीति थी कि खेलों के गवार और ये खत्म हो गई है ये प्रथा, अब तो खेल बाकी चीज़ों से अच्छा भविष्य बना रहा है खिलाड़ी। महिलाओं का स्थान आजकल किसी भी प्रतियोगिता। शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।